हम लोग 26 जनवरी गणतंत्र दिवस बोलते हैं, ऐसी कुछ बोलते हैं, तो उसी लिए छुट्टियाँ होती हैं। क्यों मनाते हैं इतना तो सर नहीं पता। गणतंत्र दिवस तो जिस दिन देश आज़ाद हुआ था इस उपलक्ष्य में मनाते हैं। 26 जनवरी में अभी मेरा क्या फर्क भाई, मेरा ये वो यहाँ प्रधानमंत्री बोलते हैं, हमारे राष्ट्रपति बोलते हैं। बस को डेट फिक्स हुआ था कि अंग्रेजों ने हम इस डेट में 26 जनवरी के दिन जो है हम देश खाली कर देंगे। बच्चे अब खुशी मनाते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, क्यों नहीं मना, हम भी मनाते हैं बच्चा। 26 जनवरी मनाते, देश आजाद हुआ, इतना कहाँ ध्यान रहता है स्कूल का पढ़ा हुआ, कल का खाया हुआ याद ही नहीं रहता, स्कूल का खाया हुआ कहाँ से याद होगा। अरे काय पढ़े लिखे थे पूछो यार, क्या दिक्कत है। 26 जनवरी में जो अभी के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी साहब, उनका भाषण भी सुनते हैं, लेकिन भाषण के हिसाब से वो देश में ऐसा काम नहीं कर रहे। आर्थिक व्यवस्था जो होना चाहिए वैसा है नहीं, आज भी गरीबी है, कल भी गरीबी था। छुट्टी नहीं मिलता तो पेट देखने के लिए क्या जाए, वो देखते हैं जाके बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है, है तो मगर बुलाया तो नहीं जाता ना। 26 जनवरी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी भैया, ऊपर से आदेश है कि किसी को मत बैठने दो, हम अब 10-11-12 बजे तक बैठेंगे फिर चले जाएंगे, अभी अखबार जब बचेंगे रद्दी में डालने पड़ेंगे, सारे दिन बैठते हैं तो हमारा बिक जाता था। परेशानी तो है लेकिन ठीक है, खुश हैं हम, फिर भी खुश हैं। गरीब आदमी जो है ना रोड पर अगर कोई बेच रहा है, पुलिस वाले आ रहे हैं हटा रहे हैं, ओ भाई तू हटा दे इसको, यहाँ पर जो है ना 26 जनवरी का झंडा लहराया जाएगा। मैं हमारा जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद हमारा संविधान बना था तो उसके खुशी में हम मनाते 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। संविधान पढ़ने का मौका तो नहीं मिला लेकिन पता है संविधान में क्या क्या है, हर आदमी को अपने मजहब की आज़ादी, जीने की आज़ादी है, पूरी हर चीज़ की आज़ादी है। बताइए और क्या पूछना है। तुम अपने बारे में, ये टांगों के बारे में बताओ, मेरा भारत महान, मेरे मदर फादर यही ग्रैंड फादर, इसी हिंदुस्तान के रहने वाले, मुझे हिंदुस्तान ने कुछ नहीं दिया, मैं अपाहिज आदमी हो गया हूँ, ये बताओ यार। मेरा भारत महान, सब है सुखी, मैं हूँ परेशान। जिस समय हमारे लोकतंत्र बना था 26 जनवरी 1950 को, जब भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य यह था कि देश के सभी धर्म के लोग, सभी जाति वर्ग विशेष के लोगों को समानता मिले। ये सौभाग्य था कि हमारे भारतीय संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि जाति विहीन समाज के बिना स्वराज्य प्राप्ति का कोई महत्व नहीं। हम आज़ाद हुए, हम सामाजिक स्तर पर आज भी भेदभाव है, हमें सिर्फ राजनीतिक स्तर पर वोट की पावर मिली, आर्थिक विषमता आज भी है। आर्थिक विषमता यदि पूरी नहीं हुई, आर्थिक समानता नहीं हुई, तो देश के अंदर लोकतंत्र का पूरा उद्देश्य नहीं होता। संतरी से लेके मंत्री तक बिका हुआ है, ये भारत देश हमेशा ऐसे ही खाली रहेगा, समझे, जब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा हिंदुस्तान का। मेरे भाई बदलाव आएगा जब हम पब्लिक एक होगी, जनता एक होगा, भाई तब जागरण होगा।